शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिनका उसको इल्म न था, मगर इंसान सरकश हो जाता है इस बिना पर कि वो अपने आप को बेनियाज समझता है। कुछ शक नहीं कि सबको तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुमने उस शख्स को देखा जो मना करता है, यानी एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ने लगता है? भला देखो तो अगर ये राह रास्त पर हो या परहेजगारी का हुक्म करे तो मना करना कैसा, तो इसका अंजाम क्या होगा? जरा देखो तो अगर उसने दीन हक को झुटलाया और उससे मुंह मोड़ा, क्या उसको मालूम नहीं कि अल्लाह देख रहा है? देखो अगर वो बाज ना आएगा तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, यानी उस झूठे खताकार की पेशानी के बाल, तो वो अपने यारान मजलिस को बुला ले, हम भी दोजक के फरिश्तों को बुलाएंगे। देखो उसका कहा न मानना और सजदा करना और अल्लाह का कुर्ब हासिल करते रहना। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है, लिहाजा सामईन पर सजदा वाजिब है। सामईन